नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिप्रिया और एक बार फिर से हाजिर हूं। बात करेंगे निरहुआ और रवि किशन की। जी हां, दोनों अपने आप में बेहतर हैं। एक है मेगा स्टार और एक है सुपर स्टार, और दोनों स्टार जब मिल जाते हैं तो लोगों की भीड़ लगनी तो लाजमी है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में, जब दोनों यानी कि सुपर स्टार और मेगा स्टार एक साथ मिले तो क्या हुआ, चलिए आगे आपको बताते हैं। दरअसल संसदीय क्षेत्र दोनों पहुंचे थे और इस दरमियान जब वहां पर ये दोनों पहुंचे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे निरहुआ और रवि किशन को देखने के लिए। वाकया था पादरी बाजार के मोहनापुर स्थित एक विद्यालय में नुक्कड़ सभा का। रवि किशन ने पूरा भाषण ही भोजपुरी में दिया। उन्होंने कहा, गोरखपुर की भूमि बाबा गोरखनाथ जी महाराज के तपोभूमि है। जकरे विकास के बीड़ा महंत अवेदानाथ जी महाराज उठौले बारे, फिर बाद में उन्हीं के उत्तराधिकारी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उठाया है। क्योंकि बीरा उठाने की बात कही जा रही है यहाँ पर, और क्या योगी नैया पार लगा पाएंगे? जिस तरीके से योगी का नाम लेकर यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि योगी का गढ़ माना जा रहा है और काफी लंबे समय से योगी की जो जनता है योगी को बहुमत देती नजर आई है, लेकिन एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि क्या यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स है एक बार फिर योगी के साथ होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हम बात कर रहे थे निरहुआ की और बात कर रहे थे रवि किशन की। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से रवि किशन ने बात की, उनका कहना था कि भूमिया पर उविकास शुरू कैले बाड़े जेकर सब सपना देखत रहले। मोदी जी के सहयोग से पूज्य महाराज जी गोरखपुर में एम्स, फर्टिलाइजर, चीनी मिल, घर घर रसोई, फ्री बिजली कनेक्शन, घर घर शौचालय, इतने नहीं जेकरे पक्का आवास नहीं रहल उके पक्का घर तक बनवले। ये तमाम बात उन्होंने बोला है और कहा है कि भोजपुरी में लोगों को संबोधन करते हुए कि हमें वोट दीजिए क्योंकि हमने विकास के कार्य किए हैं, और वहां पर लोगों की रिझाने की पूरी कोशिश नजर आई है। और उन्होंने कहा कि अब की सरकार बनावले पर गोरखपुर टोक्यो और न्यूयॉर्क जैसा नजर आई। का वाकई में गोरखपुर टोक्यो और न्यूयॉर्क बन जाई, इतना देखे वाला बात हुई। मोदी जी और योगी जी इनमें से एको कमवा जात पात देखी के नाही करवले, सगरी योजना के लाभ सगरी जतिया लेत बा। उनका कहना था कि इस योजना का जो लाभ है सभी जाति के लोग ले रहे हैं, किसी भी एक स्पेशल जाति के लिए नहीं है, ऐसा कह के वहां के लोगों को लुभाने की कोशिश नजर आई निरहुआ की और रवि किशन की। इसके आगे उन्होंने क्या कहा जरा ये भी सुन लीजिए। रवि किशन ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बॉर्डर पर सेना खुली छूट पाई तो आतंकियों के नाक में दम हो गया, और विश्व पटल पर मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है, विरोधी नतमस्तक हो रहे, इसलिए देश की पुकार एक बार फिर मोदी सरकार। जी हाँ, न जात पर न पात पर और सिर्फ विकास की बात कह रहे हैं निरहुआ और रवि किशन। क्या वाकई में मोदी जी एक बार फिर से आएंगे, ये तो उस वक्त पता चलेगा जब कि चुनावी नतीजे आएंगे। हालांकि यहाँ पर तमाम दल जो है वो अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर में रवि किशन और निरहुआ पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जनता उन्हें सर आंखों पर बिठाएगी। हालांकि रवि किशन एक बार और गए थे और उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसे चौकीदार है जो अकेले पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे में वो भी खड़े हो गए हैं और वो भी देश के चौकीदार हो गए हैं। यानी कि जो जो लोग जुड़ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से वो सब देश के चौकीदार हैं, तो फिर ऐसे में देश का भला कैसे ना होगा। तो देश की भलाई के लिए जिस तरीके से अब तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, चुनावी मैदान है और उसमें तरह तरह के वायदे और दावे किए जा रहे हैं, तो फ्री गैस कनेक्शन से लेकर बिजली और तमाम चीजों की उन्होंने बात कही है। देखने वाली बात होगी है कि गोरखपुर की जो जनता है कितना सिर आंखों पर इन लोगों को बिठाती है। चलिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया। नमस्कार।